एक व्यक्ति कई वर्षों तक अपने गुरु के दर्शन करने जाता रहा, उपदेश सुनने जाता, सेवा करता, ध्यान का अभ्यास करता, लेकिन हमेशा उसके मन में एक कमी बनी ही रहती कि मेरे अंदर सुधार नहीं हो रहा है। मुझे कितने वर्ष गुरु की शरण में गए हो गए, प्रवचन सुनते हो गए, लेकिन मेरे जीवन में उतना बदलाव नहीं आ रहा है जितना गुरु की मुझसे अपेक्षा थी। एक दिन उसने सोचा कि शायद गुरु ही इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, और वह गुरु से मिलने चला गया। गुरु ने उसे अपने पास बिठाया और उसकी समस्या पूछी। उस व्यक्ति ने कहा, जीवन तो बहुत तेजी से बीता जा रहा है, मुझे दीक्षा लिए 20 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, और इन 20 वर्षों में मैंने अपनी तरफ से अथक प्रयास किया, लेकिन इन प्रयासों से मैं संतुष्ट कभी नहीं हुआ। मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीत चुका है, जीवन का एक भाग बीत चुका है और अब दूसरा चल रहा है। मेरी उम्र लगभग 50 की हो चुकी है, मेरे बाल भी सफेद पड़ने लगे हैं। पिछले 20 वर्षों में मैंने अथक प्रयास किया, लेकिन मैं अपने आप को कहीं भी नहीं पाता। क्या मेरा जीवन यूं ही खाली खाली कोरा कोरा ही बीत जाएगा? गुरु ने उससे कहा, तुम्हें सच्चाई समझने में अभी 2 वर्ष और लगेंगे। गुरु ने उसे बीजों से भरी एक पोटली देते हुए कहा, तुम यह बीज ले जाओ और इन्हें अपने खेतों में तब बोने के लिए डालना जब 3 दिनों तक अच्छी बारिश हो। वह व्यक्ति उन बीजों को लेकर वापस अपने घर आ गया और बारिश का इंतजार करने लगा। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर कभी एक दिन बारिश होती, कभी 1.5 दिन, कभी 2 दिन, लेकिन 3 दिन तक लगातार बारिश कई दिनों तक नहीं हुई। वह प्रसन्न होता जैसे ही बारिश शुरू होती, लेकिन फिर दुखी हो जाता जब बारिश कुछ ही देर में बंद हो जाती। कई महीने फिर ऐसे ही बीत गए। अब वह दुखी रहने लगा कि शायद 3 दिन तक तो कभी बारिश होगी ही नहीं। वह यही सोचता रहता। तभी एक दिन अचानक भयानक काले बादल आए और रात दिन लगातार 3 दिन तक बरसते रहे। उस व्यक्ति के अंदर अत्यंत प्रसन्नता का भाव जागा। उसने गुरु के दिए हुए बीज पोटली से निकाले और खेतों में बो दिए। अगले 2 महीनों में वो बीज अंकुरित हुए, बढ़े और पेड़ बन गए। लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता था कि यह किसके पेड़ हैं, क्योंकि उसने गुरु से बीजों के बारे में कुछ नहीं पूछा था। 3रे महीने से उन पेड़ों में फूल आने शुरू हो गए और देखते ही देखते चारों ओर फूल ही फूल हो गए। तितलियां, मधुमक्खियां, भौरे और ना जाने कहां कहां से लोग उन फूलों को देखने और उनकी सुगंध का आनंद लेने आने लगे। इतने सारे लोगों से तो वह अपनी पूरी जिंदगी में नहीं मिला था, और ना ही उसने एक साथ इतने सारे लोग पहले कभी देखे थे। वह बड़े आश्चर्य में था कि इतने सारे लोग आ कहां से रहे हैं, बिना बताए, मुझे जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं, ये लोग आ कहां से गए। वो बड़े आश्चर्य में था। लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की, उसके फूलों की तारीफ की, कुछ ने उसे इनाम भी दिया और सभी ने उसके फूल खरीदे। उसके फूलों की खुशबू और उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी, सारे शहर, गांव, प्रदेश और देश में फैलने लगी। ऐसे उगते हुए फूल, ऐसी खुशबू और इतने बड़े क्षेत्रफल में लगे फूलों की कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कभी किसी ने सोचा भी ना था कि इतने खुशबूदार फूल भी हो सकते हैं। उनकी खुशबू कई किलोमीटर दूर तक फैली रहती। तभी तो दूर से अगर कोई राहगीर भी गुजरता तो वह पलटकर एक बार जरूर देखने आता कि यह खुशबू आ कहां से रही है। वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न था। उसने सोचा कि मैं यह सब जाकर गुरु को बताऊं, लेकिन फिर उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि तुम दोबारा 1 साल बाद आज ही के दिन आना, उससे पहले नहीं। इसीलिए वह बार बार अपनी उत्तेजना को रोकता और सहम जाता कि अभी समय पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए वह रुका रहा। लेकिन वह बहुत खुश था। उसने उन फूलों को बेचकर बहुत धन कमाया, एक आलीशान घर बनवाया और उसमें खूब खुशी से अपने यार दोस्तों के साथ रहता, बहुत खुश रहता, लोगों से मिलता, और अब आसपास के लोगों से उसका बहुत मेल जोल भी हो गया था। वह अपने समाज का एक बहुत बड़ा मुखिया बन गया था।
खूब मान सम्मान मिलने लगा था। लेकिन फिर धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी, भीषण गर्मी पड़ी, फूल मुरझाए और कुछ समय पश्चात सारा खेत सूख गया और धीरे धीरे लोगों ने आना भी कम कर दिया। अब कभी कभी कोई इक्का दुक्का लोग ही उससे मिलने आते। फिर समय आया गुरु से मिलने का। वह गुरु के पास गया, उन्हें नमन किया। तभी गुरु ने कहा, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूं। गुरु ने उसे बीज की एक पोटली देते हुए कहा, अब जाओ और इन बीजों को तभी बोना जब फिर से 3 दिन तक लगातार बारिश हो। वह व्यक्ति उन बीजों को लेकर वापस आ गया और थोड़ा दुखी भी हुआ कि वह गुरु को कितना कुछ बताना चाहता था, लेकिन गुरु ने तो पहले ही कह दिया कि वो सब जानते हैं, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। वह इस बात से बहुत निराश था कि वह अपने मन की बात बोल नहीं पाया, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि गुरु दूरदृष्टि रखते हैं, वो सब देखते हैं। वह घर आया और फिर से बारिश का इंतजार करने लगा और वह बहुत खुश भी था कि मुझे फिर से बीज मिल गए, फिर वही फूल उगेंगे, फिर चारों तरफ सुगंध फैलेगी, फिर दूर दूर तक मेरी ख्याति फैलेगी, लोग मुझे इनाम देंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरे फूलों की बिक्री होगी, मुझे मान सम्मान मिलेगा। इन सब बातों के बारे में सोचकर वह अंदर से गदगद हो जाता, बार बार इन बातों को सोचता, बीजों की पोटली को देखता और प्रसन्न होता। यह कई दिनों तक चला और वह बारिश का इंतजार करता रहा, लेकिन बारिश नहीं हुई। जब हुई भी तो 1 दिन, 2 दिन, लेकिन 3 दिनों तक लगातार बारिश नहीं हुई। कई महीने बीत गए। अब वह थोड़ा उदास रहने लगा कि क्या इस बार 3 दिन तक लगातार बारिश होगी ही नहीं, कहीं गुरु ने इस तरीके से मुझे कुछ समझाने का प्रयास तो नहीं किया जो मैं समझ नहीं पा रहा, क्योंकि अब तो बारिश हो ही नहीं रही। और अब वह मन ही मन तुलना भी करने लगा था कि पिछली बार तो इतने दिनों में बारिश हो गई थी, लेकिन इस बार तो उससे भी ज्यादा दिन बीत गए और बारिश अब तक नहीं हुई। फिर 1 दिन काले बादल आए और 3 दिन, 3 रात तक मूसलाधार बारिश हुई। इस बार इतनी बारिश हो गई कि उसके खेत की मिट्टी का ऊपरी हिस्सा ही बह गया। वह यह सोचकर परेशान भी हो गया कि इस बार ज्यादा समय लग जाएगा खेत को तैयार करने में, क्योंकि मिट्टी की ऊपरी परत बह गई है। फिर जैसे तैसे करके बारिश रुकी, उसने बड़ी मेहनत से खेत तैयार किया और वो बीज खेत में बो दिए। लेकिन इस बार भी उसने गुरु से नहीं पूछा था कि यह किसके बीज हैं, उसने खुद ही कल्पना कर ली थी कि यह उन्हीं फूलों के बीज होंगे। धीरे धीरे वो बीज अंकुरित हुए, बड़े हुए और उनमें फूल आने लगे। लेकिन वह यह देखकर हैरान हुआ कि इस बार फूल इतने छोटे क्यों हैं, लेकिन वह फिर भी इंतजार करता रहा। उसने सोचा शायद इस बार इन पेड़ों में फल आने वाले हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने देखा कि सारे पेड़ों में धीरे धीरे हरी मिर्च लगने लगी है और वह मिर्च की फसल बड़ी तेजी से फलने फूलने लगी। धीरे धीरे वह मिर्च लाल होने लगी, लाल सुरंग। कुछ दिनों तक खेत में तोते आए, तोतों ने कुछ मिर्च खाई, लेकिन इस बार कोई तितली नहीं आई, कोई भौरा नहीं आया, कोई मधुमक्खी नहीं आई, और इस बार ना तो आसपास से कोई लोग आए, ना कोई सुगंध उठी, ना कोई सुंदर नजारे बने, और ना ही दूर दूर से राहगीर आए उसके खेतों को देखने। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह बहुत आश्चर्य में था कि आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है। वह थोड़ा चिंतित भी होने लगा, लेकिन थोड़ी उत्सुकता भी थी कि देखते हैं आगे क्या होता है। फिर जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी, वो मिर्च लाल होने लगी और धीरे धीरे वो मिर्च पककर खेत में ही गिरने लगी और सूखने लगी। सारा खेत भी सूख चुका था। धीरे धीरे वो मिर्च फटने लगी और सारे खेत में फैलने लगी, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी, गर्म हवाओं के साथ वो मिर्च भी उड़ने लगी, और उस मिर्च से लोगों की आंखें और लोगों के गले जलने लगे। अब लोगों ने दूर दूर तक उस ओर आना ही छोड़ दिया, वो रास्ता ही छोड़ दिया, और जहां जहां वो हवा फैलती, लोग परेशान होने लगे, बहुत भला बुरा कहते उस व्यक्ति को कि इस मूर्ख ने ये क्या कर दिया। अगर इसने इन मिर्चों को बो ही दिया था तो फिर बाजार में जाकर इन्हें बेच देता या फिर इनका कुछ इंतजाम करता, लेकिन इसने इन मिर्चों को खेत में ही गिर जाने दिया, और अब ये मिर्चें
लोगों की आंखों और गलों में चुभ रही हैं। लोग उससे बड़े नाराज रहने लगे और उसके खेत के आसपास जितने भी पशु पक्षी थे वो सभी वहां से पलायन कर गए। वह बहुत डरा हुआ था, वह अकेला पड़ गया। अब वह किसी तरह से खुद को बचाता क्योंकि उसकी भी आंखों और गले में मिर्च लग रही थी। वह दिन रात अपने मुंह को कपड़े से ढककर रखता और हवा की विपरीत दिशा में बैठकर खुद को बचाने का प्रयास करता। यह सिलसिला कई महीनों तक चला। उसकी गुरु से मिलने की प्रचंड इच्छा थी, लेकिन गुरु ने पहले ही बोल रखा था कि साल भर बाद आज ही के दिन आना। वह बहुत परेशान था, उसके लिए एक एक दिन काटना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। लेकिन किसी तरह से वो दिन आ गया जब वह अपने गुरु से मिलने जा सकता था। वह गुरु के पास गया और अपना सारा हाल सुनाना चाहा, लेकिन गुरु तो पहले से ही सब जानते थे। गुरु ने कहा, मैं सब जानता हूं तुम्हारे साथ जो हो रहा है, लेकिन अगर तुम समझ पाओ तो। गुरु ने उससे पूछा, क्या तुम कुछ समझे इन 2 सालों में जो मैंने तुमसे कहा था कि अभी तुम्हें 2 साल और लगेंगे, तुमने क्या समझा? सबसे पहले तो तुम ये समझो कि तुम कौन हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम कहां से आए हो? क्या तुम्हें अपने पैदा होने का पता है? उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे पैदा हुआ। जब मैं समझने लायक हुआ और लोगों ने कहा कि यह तुम्हारी माँ है, इसी ने तुम्हें जन्म दिया है, तब मुझे पता चला कि मैं इस माँ से पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरे पैदा होने का मुझे कुछ पता नहीं। गुरु ने कहा कि तुम्हें यह याद नहीं कि तुम कैसे पैदा हुए, तुम्हें यह याद नहीं कि तुम्हारे माँ बाप कौन है। तुम्हें बताया गया कि ये तुम्हारे माँ बाप हैं, तब तुमने जाना कि ये तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम इन्हीं से पैदा हुए हो और फिर तुमने परिवार बनाया। क्या तुम्हें याद है कि तुम अपने परिवार को अपने साथ लेकर आए थे? क्या तुम्हें याद है कि तुम पैदा होते समय अपने साथ कुछ लाए थे? वह बोला, नहीं, मुझे याद नहीं कि मैं अपने साथ कुछ लाया था। तब गुरु ने कहा, क्या तुम्हें याद है कि तुम आज जो समझ रहे हो कि तुम्हें इतना ज्ञान है, तुमने इतना अध्ययन किया, तुम विद्यालय गए, तुम्हारे इतने यार दोस्त हैं, तुम्हारे बाल बच्चे हैं, तुम्हारी बीबी है, क्या इसमें से कोई भी ऐसा है जो पैदा होते वक्त तुम्हारे साथ था? या जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बताया कि तुम हमारे बच्चे हो, तब भी क्या तुम इनमें से किसी के साथ थे? उसने जवाब दिया, नहीं, तब तो मैं एकदम अकेला था। गुरु ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई पैसे थे, कोई धन दौलत थी? क्या कोई ऐसा इंतजाम था जिसके सहारे तुम अपना सारा जीवन निर्वाह कर सको? तब उसने कहा, नहीं, मेरे को तो जो मेरी माँ देती थी मैं वही खा लेता था। और क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई भविष्य की चिंता थी कि कल तुम्हें दूध मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या तुम इसको लेकर चिंतित रहते थे? तब उसने कहा, नहीं, मैं चिंतित नहीं रहता था। मुझे तो जो मैं मांगता था मेरी माँ दे देती थी, और अगर उनके पास नहीं होता था तो इंतजाम करती थी, या फिर पिता से कहती थी कि बेटा ये मांग रहा है, लेकर आ जाओ। लेकिन मैंने तो अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी ये भी सोचा हो कि मुझे दूध कहां से मिलेगा, वह मुझे मिलता ही रहा है। तब गुरु ने कहा कि जब तुम्हें यह सब तब मिलता रहा है जब तुम्हें कुछ भी पता नहीं था, जब तुम्हें यह भी पता नहीं था कि कल तुम्हें यह मिलेगा या नहीं मिलेगा, तब भी तुम्हें यह मिलता रहा, जब तुम्हें यह भी पता नहीं था कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और क्यों आए हो, तब भी तुम्हारी सारी परवरिश, सारी पूर्ति होती रही, तो क्या तुम ये सोचते हो कि अब तुम यह सब कर रहे हो? क्या अब तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें 20 साल यहां आते हो गए और तुम्हें अभी तक कुछ नहीं हुआ? तुम्हें क्या होना है? तुम क्या पा लेना चाहते हो? तुम तो हो ही नहीं, तुम कौन हो जरा सोचो इस बारे में। क्या तुम्हें जिस नाम से पुकारा जा रहा है तुम वही हो? क्या तुम्हें पता है कि यह तुम्हारा ही नाम है? उसने कहा, नहीं, मुझे पता नहीं कि यह मेरा ही नाम है, लेकिन जब मेरे कानों में इस नाम की आवाज पड़ने लगी, जब मुझे यह समझ आने लगा कि यह मेरे से कहा जा रहा है, तब धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरी माँ मुझे इस नाम से पुकारती है, तब मुझे पता चला कि यह मेरा नाम है। तब गुरु ने कहा कि तुम हो ही नहीं, तुम अपने से आए ही नहीं हो। क्या तुम अपने से आए हो?
क्या तुमने चुना था कि यही मेरे माँ बाप होंगे, यही मेरा घर होगा? क्या पैदा होने से पहले तुमने इस बारे में कुछ सोचा था, कोई चुनाव किया था? उसने कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है कि मैंने कुछ चुनाव किया था। मुझे यह भी याद नहीं कि मैं पैदा हुआ। मुझे यह भी याद नहीं था कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं। मुझे कुछ भी याद नहीं, मेरा कोई चुनाव नहीं। तब गुरु ने कहा कि तुम हो ही नहीं। तुम अब जो कह रहे हो कि मैं हूं, तुम जो कह रहे हो कि मैंने इतने फूल उगाए, क्या ये तुम्हारे बीज थे? क्या ये तुम्हारे फूल थे? क्या किया तुमने इन फूलों को उगाने में, जरा बताओ। वह चुप हो गया, उसके पास कोई जवाब ना था। वह सिर झुकाए गुरु के सामने खड़ा रहा। गुरु ने कहा, ये बीज तुम्हें मैंने दिए और इन बीजों को तुमने 3 दिन बारिश होने के बाद जमीन में डाला। क्या वो बारिश तुमने कराई थी? क्या वह मिट्टी जिसमें बीज अंकुरित हुए उसे तुमने बनाया था? क्या तुमने इनके लिए कोई प्रयास किया? वह आंखें झुकाए चुपचाप खड़ा था। उसके पास अब कोई शब्द नहीं थे। गुरु ने कहना जारी रखा, क्या तुमने इन बीजों को जमीन के अंदर फटते हुए देखा है? क्या तुमने देखा है कि ये कैसे अंकुरित हुए और कैसे उसमें से पेड़ निकला? ये जमीन के अंदर जो सारा खेल हुआ, क्या तुमने इसके लिए कुछ प्रयास किया था? क्या तुमने उन बीजों के अंदर जीवन डाला था? उसके पास कोई जवाब नहीं, वह मौन है, चुपचाप खड़ा है। तब गुरु ने कहा कि तुम हो ही नहीं, बस तुमने मान लिया है कि तुम हो। और तुमने जब से यह माना है कि तुम हो, जब से तुमने माना कि यह मैं कर रहा हूं, जब से तुमने माना कि यह सब मेरा है, यह मेरी माँ है, यह मेरे पिता हैं, मैंने यह हासिल कर लिया, मैंने वो हासिल कर लिया, मैंने वो पढ़ाई कर ली, मैंने शादी कर ली, मैंने व्यापार खड़ा कर लिया, मैंने बच्चे पैदा कर लिए, ये मेरे बच्चे हैं, असल में तुमने यहाँ कुछ भी नहीं किया, तुमने सिर्फ मैं को जन्म दिया है, और इस मैं की वजह से तुम्हें पता नहीं चल पा रहा कि तुम कौन हो। तुम तो हो ही नहीं, क्या तुम हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? उसने कहा, मुझे ये तो पता नहीं कि मैं हूं, परंतु मैं यह जरूर समझ गया हूं कि इस मैं को मैंने बनाया है। गुरुदेव, आपके कहने से मैं अब समझ पा रहा हूं कि इस मैं को मैंने बनाया है। यह मैंने ही कहा है कि यह मेरा शरीर है, यह मेरी माँ है, यह मेरे खेत हैं, यह मेरे फूल हैं, यह सारे मैं मेरे ही हैं, मैंने ही बनाए हैं। मैं इन्हें लेकर नहीं आया था, क्योंकि जब मैं आया था तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ। मुझे तो लोगों ने बताया कि मैं हूँ, मुझे एक नाम दिया गया, और जब मुझे उस नाम से पुकारा गया तब मुझे समझ आया कि मैं ये हूँ, मेरे शरीर का यह नाम है। लेकिन मुझे अभी भी यह पता नहीं कि इस शरीर के अंदर कौन है जो देख रहा है, बोल रहा है, सब कुछ समझ रहा है। तब गुरु ने कहा, जब तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि तुम कौन हो और यह सोच रहे हो कि मैं 20 सालों से कर रहा हूं, कौन कर रहा है? तुम्हारा मैं कर रहा है, और यह मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। 50 साल गुजर गए, अगले 50 साल और गुजर जाएंगे, लेकिन यह मैं कहीं नहीं जाने वाला। जो यह कह रहा है कि वो मेरे फूल थे, सच बताओ, क्या वो तुम्हारे फूल थे? जो यह कह रहा है कि मैंने ये बीज लगाए, क्या ये तुम्हारे बीज थे? तुम्हारा यहां कुछ भी नहीं, तुम हो ही नहीं। तुमने मान लिया है कि तुम हो, और इस मान लेने से इस मैंने यह सारा संसार बनाया है। तुम्हारा मैं ही तुमसे कह रहा है कि मैंने यह फूल लगाए, मैंने फूलों की खेती की, मेरी प्रशंसा हो रही है, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, मैं मुखिया बन गया उस समाज का, मैंने बहुत मेहनत की। क्या किया तुमने? क्या उन बीजों को तुमने बनाया था? क्या उन्हें धूप तुमने दी थी? वह निशब्द खड़ा था, उसके मुंह में कोई शब्द नहीं थे। अब उसके पास यह भी कहने को नहीं बचा था कि वह 20 साल से कुछ कर रहा है, वह ध्यान करता है। तब गुरु ने कहा, तुम मुक्त हो, तुम पहले दिन से ही मुक्त थे। ये तो तुमने खुद ही बेड़ियां लगाई हुई हैं, और ये बेड़ियां हैं मैं की बेड़ियां। तुमने यह बेड़ियां लगाई हुई हैं कि मैं 20 साल से कर रहा हूं। यह मैं की बेड़ियां ही तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हैं। यह मैं ही तुम्हें गहरे ध्यान में नहीं उतरने देता, यह मैं ही तुम्हें यहां से मुक्त नहीं होने देता। तुम यह मानो कि तुम हो ही नहीं, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम हो?
मैं फिर पूछता हूं, क्या तुम हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम आए हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम पैदा हुए? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। तो फिर तुम हो ही नहीं, तुम बस मान के बैठे हो। जो कुछ तुम्हें दिख रहा है वह मैं है, और इस मैं की वजह से ही तुमने संसार बनाया है। और अभी भी तुम कह रहे हो कि मैं 20 साल से कर रहा हूं, यह तुम्हारा मैं ही तो कह रहा है। तो फिर यह मैं जाएगा कहां? यह तो यहीं रह जाएगा। तुम्हारे कोई बीज नहीं, तुम्हारे कोई फूल नहीं, और ना ही तुम्हारा कोई प्रयास है बारिश कराने में, ना ही तुमने उन पौधों को हवा दी। क्या तुम्हारा कोई प्रयास है उन फूलों की खुशबू लाने में? क्या तुमने उन मधुमक्खियों को, भौरों को, तितलियों को कोई संदेश भेजा था? क्या फूलों के अंदर रस तुमने पैदा किए थे? तुम हो ही नहीं, बस तुमने मान रखा है कि तुम हो, और तुम साथ कुछ भी लेकर नहीं आए। क्या तुम अपने साथ कुछ लाए थे? तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता था। तुम्हें तो कपड़े पहनाए गए, तुम्हें साफ सफाई से रहना सिखाया गया, तुम्हें यह भी पता नहीं था कि कैसे खाना है, कैसे पीना है। तुम्हारे मुंह में स्तन को लगाया गया, तब तुमने दूध पीना सीखा। क्या प्रयास किया तुमने अपनी रोटी अपने दूध के लिए उस समय? वो तुम्हें मिलता ही रहा, और आज तुम ये सोचते हो कि मैं इंतजाम कर रहा हूं, मैं कमा रहा हूं। आज तुम सोचते हो कि ये मेरे बच्चे हैं, जब मैं खिलाऊंगा तब ये खाएंगे। तुम हो ही नहीं, बस तुम मान के बैठे हो। और जो ये सोचता है कि मैं हूं, मेरे बच्चे हैं, मैं कमा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, यही मैं ही तुम्हारे दुख का कारण है, यही तुम्हारी बंदिश है, यही तुम्हारा बंधन है, यही तुम्हारी बेड़ियां हैं। तुम मुक्त ही हो, तुमने शरण ले ली है बुद्ध की, तो अब मुक्त हो जाओ। तुम मुक्त ही हो, और तुम्हें सब कुछ मिलता ही रहेगा। यह कहते हुए गुरु मौन हो गए। कहा जाता है कि वह शिष्य इसके बाद वहीं बैठकर ध्यान में तल्लीन हो गया, और उसके बाद वह उठा ही नहीं, वह मुक्त हो गया, उसे परम निर्वाण प्राप्त हो गया।